आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चीकू बनाना मिल्कशेक। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे खाने की खुशबू आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। ये चीकू शेक बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको 5 से 10 मिनट में ही बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होता है, आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और अगर आप जिम करते हैं तो आप वर्कआउट के तुरंत बाद इसको ले सकते हैं, ये आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देगा। ये बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा बनाना, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, 2 चम्मच ओट्स, थोड़े से मूँगफली भुने हुए, ड्राई फ्रूट्स एंड बिस्किट, और ये 2 से 3 चीकू, आधा कप मिल्क। अब ये इंग्रेडिएंट्स आप अपने डाइट के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप इसको शुगर फ्री या शुगर के साथ बना सकते हैं। अब मैंने एक मिक्सर में आधे ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा मूसली ले लिया है। इसके बाद हम इसी मिक्सर में ये सारी चीज़ों को डालेंगे, ओट्स डालेंगे हम, इसके बाद ये मूँगफली इसको ऐड करेंगे इसमें। इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना। ये देखिए ये पाउडर बन के रेडी हो चुका है हमारा। इस पाउडर को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि आप जब भी चीकू शेक बनाएंगे आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी अलसी ली है मैंने यहाँ पे, अलसी को आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, बनाना डालेंगे, चीकू को अच्छे से छील के मैंने काट लिए हैं टुकड़ों में। थोड़ी सी चीनी ली है यहाँ पे मैंने, आप शुगर फ्री भी बना सकते हैं। तो नहीं, ये पाउडर हमने जो बनाया है उसे 2 चम्मच पाउडर डालेंगे हम। आप ये अलसी डाल देंगे इसमें 1 चम्मच, इस तरीके से इसमें दूध डालेंगे हम, इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना। यहाँ पे मैंने ये ग्लास लिया है, अब हम शेक को इस ग्लास में डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा शेक बन के तैयार हुआ है, ये बहुत ही थिक है दोस्तों, बहुत ही गाढ़ा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। इस तरीके से हमारा शेक बन के रेडी हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स की सीजनिंग करेंगे जो दिखने में भी अच्छी होती है एंड ड्राई फ्रूट्स थोड़ा क्रंची बनाते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा शेक बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं ये दिखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम बहुत ही कम टाइम में इसको बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching and happy cooking!